हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? घर पे अच्छे से रहो, पढ़ाई करो आप लोग घर पे। पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने बात की थी ठोस अवस्था की, और ठोस अवस्था में हमने बात की थी अध्रुवीय आणविक ठोस की, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हम ठोस पढ़ रहे थे, ठोस पदार्थ, और वो दो प्रकार का, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस जो है वो चार प्रकार का, कौन कौन सा भी? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और ससंयोजक ठोस। फिर हमने पढ़ा आणविक ठोस तीन प्रकार का, पहला अध्रुवीय आणविक ठोस जो हम पढ़ चुके, क्या होता है? जिसमें अभिविकण कैसे होते हैं? अध्रुवीय अणु के रूप में होते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? इनके अंदर जो आकर्षण बल है बिल्कुल वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, जिन्हें हम वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये कमरे के ताप पर या तो द्रव होंगे या फिर गैस होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्शन जो फोर्स है, जो आकर्षण बल है, वो कैसे हैं? वीक हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि इनके जो गलनांक के मान हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो ये पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं, इसके एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा टाइप है, दूसरा जो प्रकार है, वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, पोलर मोलिकुलर सोलिड, मतलब ठोस मतलब अभिविकणों की क्लोज पैकिंग है, पास पास है। आणविक मतलब अणु होगा, और कैसा? ध्रुवीय मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह आणविक ठोस जिसमें अवयवी कण ध्रुवीय होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, जैसे आपका HCl है, जैसे आपका SO2 है, जैसे HCl एग्जांपल हो गया, SO2 आपका एग्जांपल हो गया। ठीक है, HCl की हमने बात की। जैसे मान लो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। ये लो जी, दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक क्लोरीन ने दिया। अब देखो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणी है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहां पे चार्ज कौन सा आएगा? डेल माइनस, यहां पे चार्ज डेल प्लस। तो दो पोल बन गए, ध्रुव बन गए, मतलब अणु कैसा हो गया? ध्रुवीय। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ये ठोस कैसा है? ध्रुवीय आणविक ठोस, मतलब वह ठोस जिसमें अणु कैसे होते हैं? ध्रुवीय, उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई, वह आणविक ठोस जिसमें अभिविकण ध्रुवीय अणु के रूप में होते हैं, एग्जांपल हो गए इसके। अब हम बात करेंगे इसमें जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो इसकी तुलना में ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? सुनना ध्यान से, इसके एग्जांपल हमने पढ़े थे H2I2। ठीक है, H2I2, देखो इधर H2 कोई किसी प्रकार का कोई डेल प्लस डेल माइनस चार्ज नहीं है, I2 कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो अट्रैक्शन है वो वांडरवाल अट्रैक्शन है, वो मास के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हमने कहा यहां पे अट्रैक्शन कम है, लेकिन यहां पे देखो इधर, ये आपका एक HCl हो गया, और इसी प्रकार दूसरा HCl है, यहां पे भी डेल प्लस, यहां पे भी डेल माइनस। अब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? डेल प्लस और डेल माइनस के बीच क्या हो जाएगा? आकर्षण होगा, और इस आकर्षण को हम, ये क्या है, क्या है, कौन सा अणु है? ये ध्रुवीय अणु, और यहां पे दो ध्रुव बन रहे हैं, जिसे हम कहते हैं द्विव ध्रुव। क्या कहते हैं? द्विव ध्रुव। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण है, ये कौन सा है? दो पोल बन गए, दो ध्रुव बन गए, यहां तो क्या कह दिया इसको? द्विव ध्रुव। और ये भी क्या है? द्विव ध्रुव। तो ये आकर्षण कौन सा है? द्विव ध्रुव, द्विव ध्रुव आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण है ये? द्विव ध्रुव, द्विव ध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल। ठीक है, हम कहें डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और ये वाला जो आकर्षण बल है,
इसकी तुलना में क्या कह रहे थे अपन, वंडरवाल की तुलना में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये आकर्षण मजबूत होता है, मजबूत आकर्षण है ये। अब आकर्षण यदि यहां पे ज्यादा, देखो इधर यहां पे एक H2 है, ये लो जी ये दूसरा H2 है, हमने कह दिया ये भी अध्रुवीय है, अध्रुवीय है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, फिर भी इनमें थोड़ा सा हल्का सा अट्रैक्शन है जिसे हमने वंडरवॉल कह दिया, ठीक है। तो यहां पे अट्रैक्शन कम है क्योंकि यहां चार्ज नहीं है, यहां पे चार्ज अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए और इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो अगर हम गलनांक की बात करें तो इनका जो गलनांक है कम ही होता है वैसे तो, लेकिन इनकी तुलना में, किनकी, अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में इनका जो गलनांक है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें आकर्षण कौन सा है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, और ये जो आकर्षण है इसकी तुलना में क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है, समझ गए। तो हम बात करें ध्रुवीय आणविक ठोस की, तो इसमें अणु कैसा होगा, ध्रुवीय होगा, ठीक है। हम गलनांक की बात करें, ध्रुवीय आणविक ठोसों की जो गलनांक है वो अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में ज्यादा होंगे। हम आकर्षण बल की बात करें, यहां वांडरवाल आकर्षण बल था, यहां कौन सा आकर्षण है, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी फेज क्या है, अवस्था क्या है, ये भी कमरे के ताप पर, ये भी कमरे के ताप पर या तो द्रव होंगे या फिर गैस होंगे, कमरे के ताप पर या तो द्रव होंगे या फिर ये गैस होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई ध्रुवीय आणविक ठोस की और ये बात हो गई अध्रुवीय आणविक ठोस की, ठीक है भाई। अब हमारा बचा तीसरा, कौन सा, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो भी, अब जो तीसरा भाग है, तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, आणविक ठोस, ये तीसरा भाग है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है, ये आपका ठोस है तीसरे प्रकार का। अब देखो इसमें एक नाम आया है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो देखो भाई सुनो इसके बारे में ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, बनाता कौन है, सुनो भाई ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन और आपका जो है ऑक्सीजन और आपका है नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कभी कभी क्लोरीन भी बना लेता है, हालांकि थोड़ा वीक बनाता है लेकिन कभी कभी बना लेता है, कब बनाएगा ये बताऊंगा सारी कहानी, ठीक है। मैन कौन बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये भी बनाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कैसे बनाते हैं सुनना भी ध्यान से, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये भी एक प्रकार का ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय अणुओं के बीच ही बनता है, मतलब ये वाला और ये वाला लगभग सेम है। देखो कैसे, जैसे हम बात करें HF, ठीक है, ये HF हो गया और ये दूसरा HF, ये दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, दो अणु है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, तो यहां पे चार्ज कौन सा आएगा, डेल माइनस, यहां पे चार्ज कौन सा आएगा, डेल प्लस, सेम कहानी इसकी है, यहां पे चार्ज कौन सा, डेल प्लस, यहां पे चार्ज कौन सा, डेल माइनस, ठीक है। तो ये अणु कैसा हो गया, ध्रुवीय, दो पोल बन रहे हैं, दो ध्रुव बन रहे हैं, ये अणु भी कैसा हो गया, ध्रुवीय, दो ध्रुव यहां पे बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अणु कैसे हैं, ध्रुवीय, और इनके बीच क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अब आप कहोगे ये तो सर यहां भी हो रहा था लेकिन यहां पे फ्लोरीन नहीं था, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण ही है लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहां पे ज्यादा विद्युत ऋणी है। कैसे है सुनना ध्यान से, देखो इधर हमने बात की HCl की थोड़ी देर पहले, इसमें किसमें, ध्रुवीय आणविक ठोस में हमने बात की HCl की,
ठीक है, और ये दूसरा HCl। हमने कहा कि यहां पे डेल माइनस आया, यहां पे डेल प्लस, यहां पे डेल प्लस, यहां पे डेल माइनस, दोनों में क्या है आकर्षण। हमने इसको कह दिया ध्रुवीय आणविक ठोस, जबकि इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, देखो इधर, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी क्लोरीन भी बना लेता है। तो देखो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है ये, देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा फ्लोरीन, यहां पे कौन है क्लोरीन, ज्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो यहां पे डेल प्लस भी ज्यादा आएगा और यहां पे डेल माइनस भी ज्यादा आएगा। यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है विद्युत ऋणता है इससे कम है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा उसकी कंपैरिजन में इतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं खींचेगा। तो यहां पे डेल माइनस भी क्या होगा कम, यहां पे डेल प्लस भी क्या होगा कम, तो यहां पे जितना देखो यहां पे डेल प्लस डेल माइनस जितना ज्यादा होगा आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे आकर्षण इसकी तुलना में क्या है कम है यहां, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया ध्रुवीय आण्विक ठोस में, इसको क्या कह दिया हमने द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, जबकि यहां पे हमने क्या कह दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सुनना ध्यान से भैया आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, और क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, देखो सुनना भी ध्यान से, दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है दो, फ्लोरीन है, ठीक है, और दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन परमाणु एक अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से सहसूचक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि दूसरे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन है ये, कंडीशन भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होना चाहिए, जब ये ज्यादा विद्युत ऋणी होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और ये ज्यादा खींचेगा तभी तो यहां ज्यादा डेल प्लस आएगा, और ज्यादा डेल प्लस आएगा तभी तो डेल प्लस डेल माइनस में आकर्षण क्या होगा ज्यादा। इसीलिए तो कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो ही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। सुनना फिर से, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बात करेंगे हम, ये एरोमेटिसिटी के केस में बनाता है जब ये बेंजीन वाले से जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा क्या हुई, जब हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच होता है, ठीक है, और एक परमाणु से सहसूचक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, क्योंकि अगर ये बंध नहीं होता सहसूचक तो क्या ये फ्लोरीन इस बंध के इलेक्ट्रॉन खींचता, नहीं, बंध ही नहीं होता, क्या इसके ऊपर डेल प्लस आता, नहीं, और डेल प्लस नहीं आता तो क्या ये डेल माइनस को अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता क्या, नहीं। तो दो विद्युत ऋणी के बीच होना चाहिए, एक परमाणु से सहसूचक बंध के द्वारा जुड़ा होना चाहिए और दूसरे परमाणु से एक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, यही क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो किस किस में पढ़ा है भाई आपने, जैसे हम बात करें H2O की, जैसे हम बात करें H2O की, देखो भाई ये आपका H2O है और ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये देखो भाई, और आप कहते हो H2O अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये देखो जी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, कैसे है चलो देखो समझो आप लोग। यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन, तो यहां पे चार्ज कौन सा आया डेल माइनस, यहां चार्ज कौन सा आया डेल प्लस, सेम कहानी इसकी है, ऑक्सीजन पे डेल माइनस, यहां पे डेल प्लस, ठीक है। तो देखो डेल प्लस और माइनस में क्या होगा आकर्षण, यही क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, बिल्कुल है, और एक परमाणु से सहसूचक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल है, और दूसरे से आकर्षण बल से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें अमोनिया की, NH3 की, ये लो अमोनिया में कौन है नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन है, अभी हमने HF की बात की थी, वहां पे कौन है फ्लोरीन है। हाइड्रोजन बॉन्ड अलग से टॉपिक होता है, उसमें हम डिस्कशन करते हैं, यहां पे इसका नाम आ गया इसलिए हमने समझा है, ठीक है। तो इसमें अणु कैसे होंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त, देखो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण और हाइड्रोजन बंध में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड में अट्रैक्शन कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, किसकी तुलना में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण की तुलना में,
ठीक है, ये हम देखेंगे। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है भाई, NH3 बना रहा है आपका, H2O बना रहा है, C2H5OH बना रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के आणविक ठोस में अणु कैसे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जो अभिवी कण कैसे होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो अभिवी कण यहां पे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण कौन से होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कौन बनाता है, जिसमें फ्लोरीन होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा और जिसमें नाइट्रोजन होगा। इसको अभी रहने दो, इसकी बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो यहां पे ये NH3 में नाइट्रोजन है, H2O में क्या है, ऑक्सीजन है, C2H5OH मतलब एल्कोहल है, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन। तो ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस की। तो देखो कंपैरिजन अगर अपन करें, अपन गलनांक का कंपैरिजन करें, गलनांक तीनों में ज्यादा किसका होगा, पहले हम पढ़ चुके इसका गलनांक इससे कम होता है, इसका ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण क्या है, ज्यादा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ लिया और हमने ये कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में आकर्षण और भी ज्यादा है, इसका मतलब इसका गलनांक इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी विद्युत का कुचालक ही होता है, तीनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनकी जो द्रव अवस्था है अगर उसमें कोई लवण मिला दे, जैसे NaCl मिला दे, तो ये विद्युत का चालक बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है ये विद्युत का। ठीक है, हम इसकी स्टेट की बात करें, इसकी फेज की बात करें, अवस्था की हम अगर बात करें, कमरे के ताप पर या तो ये द्रव होगा या फिर हल्का सा ठोस होगा, जिसे हम नर्म ठोस कह दें। ठीक है, स्लाइटली ठोस होगा ये। ठीक है, और यहां पे बॉन्ड कैसा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे कौन सा था, ध्रुवीय आकर्षण बल। यहां क्या था भाई, किसी प्रकार का अट्रैक्शन, यहां पे कोई पोल तो बन नहीं रहा था, तो अट्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, वांडरवाल आकर्षण बल। तो ये तीनों प्रकार के ठोस हैं, किसके प्रकार हैं, ये आणविक ठोस के। ठीक है, तो यहां पे ये इसके एग्जांपल हो गए। तो तीनों समझ आए, एक बार आप फिर से देख लो, अध्रुवीय आणविक ठोस में अभिवी कण क्या होगा, अध्रुवीय होगा, यहां पे क्या होगा, ध्रुवीय होगा, यहां पे क्या होगा, ध्रुवीय ही होगा, लेकिन बॉन्ड कैसा होना चाहिए, बॉन्ड कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कौन कौन होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमने बात की थी। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे प्रकार का जो ठोस है, और दूसरे प्रकार का ठोस कौन सा है, आयनिक ठोस। देखो भाई सुनना ध्यान से, देखो भाई सुनो ध्यान से, दूसरे प्रकार का जो ठोस है वो है आपका आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है ठोस कैसा, आयनिक, मतलब इसमें अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे, जैसे आपका NaCl है, जैसे आपका KCl है, जैसे आपका CHCl है, इसमें क्या है, Na+Cl-। ठीक है, इसमें आयनिक ठोस मतलब आणविक ठोस में अवयवी कण क्या थे, अवयवी कण क्या थे भाई, आयन थे। यहां पे क्या होंगे, आणविक ठोस में अणु थे, यहां पे क्या होंगे, आयन होंगे। नाम से पता चल रहा है आयनिक ठोस मतलब वह ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में कौन होते हैं, आयन होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक ठोस। ठीक है, अब देखो वहां पे हमने बात की थी HCl की, Dl+Dl-, और यहां पे दूसरा HCl Dl+Dl-, और इनमें क्या था, अट्रैक्शन था। यहां पे Na+Cl-, यहां अट्रैक्शन होगा, ये वाला अट्रैक्शन आकर्षण ज्यादा होगा या ये वाला, ये वाला, क्योंकि यहां पे आंशिक चार्ज है और यहां पे कंप्लीटली चार्ज है, पूरा चार्ज है यहां पे, प्लस और माइनस, तो यहां पे आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो ये वाला जो ठोस है पहले वाले ठोस से ज्यादा अच्छा बनेगा। और हम अगर गलनांक की बात करें तो इनका जो गलनांक है वो आणविक ठोस की तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे आकर्षण क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पे चार्ज क्या है, पूरा चार्ज है, यहां पे तो आंशिक डेल प्लस आंशिक
डेल माइनस है, जबकि यहाँ पे पूरा प्लस चार्ज है, पूरा माइनस है, तो यहाँ पे आकर्षण ज्यादा होगा। ठीक है, हम बात करें इनकी गलनांक की, तो हम ये कहेंगे आणविक ठोस का जो गलनांक है वो आयनिक ठोस से क्या होगा, कम, या हम ये कह दें इनका गलनांक आणविक ठोस से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने कहा आपका NaCl है, KCl है, ठीक है, CHCl है, ये सारे LiF है, ये सारे क्या है आपके आयनिक ठोस है। ठीक है, अब इनमें जो ये वाला आकर्षण है वहां पे हमने कहा था कि आकर्षण है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होगा या वंडरवाल होगा। यहां पे ये वाला जो अट्रैक्शन है प्लस और माइनस के बीच, इसे हम कहेंगे प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये स्ट्रॉन्ग आकर्षण है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये प्रबल आकर्षण है, ये तो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण है ये। ठीक है, ये कमरे के ताप पर ठोस ही होता है, क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण क्या है, ज्यादा है, तो ये बिल्कुल क्लोज होगा, ठोस ही होता है। वो क्या थे, या तो द्रव या फिर गैस, जबकि ये क्या होगा, ठोस ही होगा। अब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाले आगे की जो बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।